मॉर्निंग क्लास फोर्थ पार्ट नौ दक्षिण का पठार। इससे पिछली कक्षा में ये पार्ट पूरा हुआ, आपने इसको ध्यान से देखा और समझा, आपको समझ में आया होगा। और आज हम करेंगे इस पार्ट के प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न एक शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अपनी बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर निकालिए 35, साथ में पकड़िए एक पेंसिल ताकि बुक में साथ के साथ आप आंसर सही जो उत्तर है उसको फिल करते जाए, ठीक है। तो पेंसिल निकालिए, पेज नंबर 35 यानी 35 निकालिए और शुरू कीजिए करना। प्रश्न एक, प्रश्न एक है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें प्रश्न दिया है, साथ में उत्तर भी आपको दिए गए हैं, लेकिन आपको सही उत्तर चुनना है उसमें से। तो पहला प्रश्न है, गैर जो प्रश्न है इसका वो पूछ रहा है कि दक्षिण के पठार का आकार है, तो आप बताइए दक्षिण का पठार का आकार कैसा बताया था मैंने। पहला गोल, दूसरा चौकोर कि तीसरा त्रिभुज, कौन सा आकार था? त्रिभुज आकार, त्रिभुज जैसा आकार था। कैसा था? त्रिभुज। तो इस त्रिभुज पर राइट लगाइए। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वो पूछ रहा है कि काली और उपजाऊ मिट्टी है, पहला लावा मैग्मा की दोनों, काली और उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? लावा, जो ज्वालामुखी के फूटने पर जो लावा निकलता है ना वो जम के काली और उपजाऊ मिट्टी बनता है, तो लावा काली और उपजाऊ मिट्टी है। तीसरा इसमें गैर जो है वो कह रहा है कि दक्षिण के पठार की नदियां हैं कृष्णा कावेरी की दोनों, दोनों कृष्णा भी दक्षिण के पठार की नदी है और कावेरी भी, तो इसमें दोनों पे राइट लगाइए। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो कह रहा है कि रिक्त स्थान भरिए, इसमें आपको पूरा वाक्य लिखा हुआ है, एक सब जगह खाली है जो आपको भरनी है। पहला इसमें दक्षिण के पठार, क्या जो है पहला मतलब क्या है, दक्षिण के पठार को खालिस्तान पठार भी कहा जाता है, जो साउथ में दक्षिण में हमारा पठार, उसका दूसरा नाम क्या है उसका, उसका दूसरा नाम है त्रिभुजाकार पठार। दक्षिण के पठार को त्रिभुजाकार पठार भी कहते हैं क्योंकि उसका आकार त्रिभुज जैसा है, समझ में आ गया। दूसरा हमारा डैश की घाटी में डाकू रहते हैं, किसकी घाटी में रहते हैं डाकू, पढ़ा था इस पार्ट में हमने, चंबल, चंबल जो नदी है ना उसकी घाटी में डाकू रहते हैं। तीसरा हमारा नीलगिरी एम डैश पहाड़ियों में मानसूनी हवाओं के टकराने से बारिश होती है, दक्षिण के पठार में एक तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ और दूसरी कौन सी पहाड़ियाँ जिनसे मानसूनी हवा टकराती है और वहाँ पर बारिश हो जाती है, कार्डेमन मन, कार्डिमन की जो पहाड़ियाँ हैं उससे टकरा के बारिश होती है, मानसून हवाएं जब उस पहाड़ से टकराती हैं तो वो वहाँ पे बारिश होती है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर तीन। इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना है सही मिलान करना है। तो इसमें दो कॉलम दिए हैं, मिलान करना आपको आता है। पहला है केंद्रीय पठार, कैसे करना है आपको कॉपी में कैसे करना है, आपका पहला है जैसे मान लीजिए फर्स्ट है आपका केंद्रीय पठार, तो इसके सामने आपको चुनना है केंद्रीय पठार कहाँ है, हैदराबाद आता है केंद्रीय पठार में, तो इसके सामने आप सही उत्तर लिख लीजिए हैदराबाद, केंद्रीय जो पठार है वो हैदराबाद में पड़ता है। फिर इसका दूसरा जो है वो है आपका उत्तर पूर्व का पठार, ऐसे उत्तर पूर्व पठार, ठीक है। तो इसके सामने ढूंढिए उत्तर पूर्व का पठार किससे मिलेगा, बोकारो झांसी मालवा या त्रिभुजाकार, ये मिलेगा आपको उत्तर पूर्व पठार बोकारो में, बोकारो जगह का नाम है जो उत्तर पूर्व के पठार में पड़ती है, इस तरह से आपको सही उत्तर सामने लिखना है। तीसरा है आपका इसमें उत्तर पश्चिम का पठार, उत्तर पश्चिम का पठार, तो इसके सामने इसका सही उत्तर आएगा झांसी, झांसी जगह का नाम है जहाँ पे ये उत्तर पूर्व का पठार, समझ में आ गया। नाउ फोर्थ नंबर का है हमारा इसका, सॉरी कह के गए हैं आपने चैप्टर में, कै खे ग घ और इस तरह से दक्षिण का पठार है आपका, दक्षिण का पठार, तो दक्षिण का
पठार जो है ये मिलेगा आपका त्रिभुजाकार से, क्योंकि वो उसका जो शेप है वो कैसा है, त्रिभुजाकार। समझ में आया। और लास्ट है आपका 60% कपास। 60% जो कपास है वो कहाँ होती है, मालवा में, क्योंकि वहां की मिट्टी, क्योंकि वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। ये हो गया हमारा प्रश्न भी, जो आपको इसी तरह से कॉपी में करना है। बुक में आप चाहे मिलान कर ले रही, लेकिन कॉपी में आपको ऐसे ही करना ही है। नाउ क्वेश्चन 4 आता है हमारा, इसमें आपको सही के सामने सही और गलत वाक्य के सामने आपको गलत का चिन्ह लगाना है। पहला इसमें दक्षिण के पठार का आकार चौकोर है, सही है क्या? नहीं, गलत, त्रिभुजाकार है। दूसरा है उत्तर पश्चिम क्षेत्र की दक्षिणी सीमा विंध्याचल पर्वत है, हाँ ये बिल्कुल सही है। नाउ तीसरा जो गैर